सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल बढ़ेंगे दोस्तों। मेरा नाम है शवाज और आप देख रहे हैं शहबुरियन। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक गन इफेक्ट कैसे बना सकते हो, वो भी गाइस अपने एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से। मतलब गाइस वीडियो को आप पूरा देखना तो मैं आपको समझा दूंगा और मेरे हर स्टेप को फॉलो करना गाइस। आप भी बना लोगे, मुझे पता है गाइस आप बना लोगे। सो गाइस आपको क्या करना, बस वीडियो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो की मत करना। सो अगर गाइस आप हमारे चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि गाइस हम ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ। और मतलब बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि मैं एडिटिंग सी वीडियो ऐसी लाता रहता हूँ और आपके आगे नहीं आगे भी लाता रहूँगा। सो अभी आपको क्या करना है, मेरे पास जो है एक मतलब एक नॉर्मल सी क्लिप है, बिल्कुल नॉर्मल क्लिप है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल क्लिप है मेरे पास ये। तो मैंने क्या करा, ये इस पोजीशन पर आपको जो है मतलब कुछ इस तरीके से कट कर रखना, मैंने कैसे से। सो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका कैप्चर एंड सैप कर लेना है। अब जैसे ही आप कैप्चर सैप करोगे तो आपको क्या करना है, फाइनली अपना बैकग्राउंड रेजर ओपन कर लेना है। गाइस बैकग्राउंड रेजर ओपन होने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको लेकर आना वही इमेज जो आपने मतलब अभी सेव करा था, मतलब जिसका अभी आपने कैप्चर एंड सेव करा था। तो हमें इसका क्या करना है, आपको पता ही है हमें इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो इसके बैकग्राउंड डिलीट के लिए आपको क्या करना है, मैनुअल को जो इसका फटाक से जल्दी से मैं बैकग्राउंड डिलीट कर लेता हूँ। चलिए वीडियो मतलब थोड़ी सी मतलब वीडियो में स्किप कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड जो है मस्त तरीके से बिल्कुल डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टूपर इसे सेव कर लेना है। आप टूपर इसे सेव करने के बाद आपको क्या करना है, काइन मास्टर में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। पहले मैं इसे यहाँ से फिनिश करूँगा और न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं फटाक से। न्यू प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कैप्चर लिया था वो उसे जो है अब आपको यहाँ पर ले लेना है। अब गाइज आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाना है, उसका लिंक मैं आपको यार गाइज बहुत जल्दी देने वाला हूँ। बस मैं आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, मैं आपको उस पैक का लिंक दे दूँगा। तो चलिए लेट्स गो टू पैक गाइज, चलिए बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो बस गाइस यहाँ से ध्यान से देखना है। तो गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कुछ इस तरीके का आपको ये मिलेगा। अभी इसे आपको क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लाइंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप ब्लाइंडिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ से इसे स्क्रीन कर देना है और कुछ नहीं करना है। स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पर जाना है, फिर से आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट मिलेगा। तो इसे भी जो है यहाँ पर आपको जो है ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। ऐड करने के बाद यहाँ से इसे क्या करना है, पूरी मतलब पहले कहते हैं कि छोटा कलर है, इसके साइज को जो है सब कुछ करना है। अभी इसे क्या करना है, इसे जो है बड़ा करना है, इसे कुछ इस तरीके से बड़ा करना है। ये वाला इफेक्ट कम गया, मतलब कम गया। सो अभी गाइस ये डिलीट हो चुका है, अभी मैं दोबारा लाऊंगा इसे। अब कुछ इस तरीके से लाने के बाद अभी मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से पहले से यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, यहाँ से इसे इस तरीके से कुछ इसे मत करेगा ये क्या होगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर लूँगा इतना, और इतना करने के बाद उसी तरीके से मैनेज करूँगा। मैनेज करने के बाद यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर दूँगा। अब फुल स्क्रीन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, ब्लाइंडिंग पर जाना है और इसे स्क्रीन यहाँ पर कर देना है और कुछ तरीके से इसकी ओपेसिटी जो है बढ़ा देनी है। और ओपेसिटी बढ़ाने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आपने अभी मतलब वो करा था उससे क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से इसे ब्लाइंडिंग पर जाके जो है इसको मतलब सॉफ्ट लाइट कर देना है। अब सॉफ्ट लाइट या तो फिर हार्ड लाइट कर देना है आपको, क्या करना है यहाँ से ओवरलेस कर देना है। अब ओवरलेस करने के बाद नहीं गाइस सॉफ्ट लाइट कर देना है। अब सॉफ्ट लाइट करने के बाद ओपेसिटी फुल कर देनी है। फुल करने के बाद अभी आपको मैं बता देता हूँ अभी आपको यहाँ पर क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको एक गन कुछ मिलेगा, ये ड्रैगन जो गन कुछ इस तरीके से लेना है इसकी इमेज, और इसकी मिलने के बाद कुछ इस तरीके से टेढ़ा करना है, कुछ इस तरीके से टेढ़ा करना है। अभी से जो है डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रोटेट मेनू का ऑप्शन मिलेगा एक, अलग से आपको रोटेट मेनू का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ वो है किधर, तो वो अभी बता देता हूँ। तो वही रहा, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस तरीके से टेढ़ा कर देना है। अब इस तरीके से करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस तरीके से बड़ा करना है और यहाँ लगा देना है। तो आपको क्या करना है, इस ज़्यादा को उठाना है, एक कुछ तरीके से टेढ़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे ये भाई ऐसे ही हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ तरीके से सेट करना है। और कुछ तरीके से सेट होने के बाद अभी आपको मतलब आपको क्या करना है, अब आपको करना है गाइस ये है दोनों को जो है सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको मतलब गाइस लेयर पर जाना है, वीडियो पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ तरीके से लाइटनिंग की पहले करनी है। उसे क्या करना है, पहले यहाँ से इसे मैनेज कर लेना है सही तरीके से। इसे मैं यहाँ से मैनेज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन में यहाँ से इसे स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद कुछ तरीके से इसे लगा देना है। और कुछ तरीके से लगाने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस ड्रैग में कुछ तरीके से और फिर से इसे डुप्लीकेट करने के बाद
अब ये डुप्लीकेट नहीं हुई तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसे डन कर देना है। अब डन जैसे करोगे तो ये कुछ इस तरीके से वीडियो इसमें आ चुकी है, तो इसका लिंक मैं जो है आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, वहाँ आप मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से जो इसे बिल्कुल एक्सपोर्ट कर लेना है। अब एक्सपोर्ट करने, अरे गाइज एक चीज़ तो रह गई हमारी, जी हाँ गाइज आपको याद आई, तो हमारा करेक्टर नहीं दिख रहा ना, तो अभी आपको क्या करना है, जो आपने इरेज करा था, अभी जो आपने इरेज करा था गाइज ये लाना भूल गया, अभी चेंज करा तो ज़्यादा तो कोई बात नहीं गाइज, अभी हम दोबारा लगा दें, दोबारा लगाया आपको क्या करना है, इस तरीके से मैनेज कर देना है, तो इसको फर्क से बिल्कुल ओवरलेस कर देना है, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप चाहो तो इसका मतलब प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, लेकिन ये ऐसे सही है। आपको क्या करना है, इसे ऐसे इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है गाइज, इस अब उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है जहाँ गाइज आपको इसे लगाना है। अब आपको क्या करना है गाइज, उस वाले प्रोजेक्ट में चले जाना है, ये रहा गाइज यहाँ जो आपको लगाना है, तो यहाँ आपको अभी क्या करना है गाइज, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ से आपको यहाँ मैंने लगाना है। सो अब आपको क्या करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया एक्सपोर्ट पर जाना है, एक्सपोर्ट में जाने के बाद अरे गाइज ये क्या है, मीडिया पर जाना है, मीडिया जाने के बाद एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से आगे लगा देना है। तो आपको ऊपर क्लिक करना है जहाँ आपको मतलब कुछ इस तरीके का इफेक्ट देना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो, तो उसे कुछ इस तरीके ये रहा गाइज, कुछ इस तरीके का देंगे, लेकिन हम थोड़ी सी मतलब क्या करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और कुछ इस तरीके से इसे मतलब चालू कर देंगे, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी आप देख सकते हो कितने ओपी तरीके से हमारा ये बन चुका है इलेक्ट्रिक मतलब गन स्किन। सो अभी वो चाहो तो बहुत सारे इफेक्ट इस पर ऐड कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।